हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, इंडिविजुअली आपके पार्टनर के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर के साथ अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। इस शफल डेक से हम लेते हैं कुछ कार्ड्स। सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर कमिंग 24 आवर्स के अंदर कहीं तेजी से तैश में आके कहीं जा सकते हैं, हड़बड़ी में कहीं से इनको कोई कॉल आ जाए, या ये कहीं बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके कहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह की एनर्जी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये गाड़ी उठाई और तुरंत निकल गई, इस टाइप की एनर्जी है। जल्दबाजी में अग्रेसिव हो सकते हैं, जल्दबाजी में नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कॉइंस। आज के दिन में आपके पार्टनर करियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, इनको करियर में डिवाइन की तरफ से हेल्प भी मिलेगी। डिवाइन की तरफ से हेल्प इन द सेंस कि इनके फाइनेंसेस जो है वो बूस्ट करेंगे, अच्छे होंगे, और कुछ नया बिजनेस वगैरह, कहीं पूजा पाठ इनका हो, कहीं जमीन की पूजा हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो इनकी चीजों में बरकत लेकर आए, उसके लिए कोई पूजा पाठ करा सकते हैं। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे। आपके साथ भी अगर ये कनेक्शन में है तो यह आपको भी देख के ऐसा लगेगा कि भाई बहुत जिम्मेदार पार्टनर है मेरा, ठीक है, बहुत बिजी है। ये आपको कमिटमेंट कभी देंगे, देने के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये आपको कमिटमेंट ऑफर भी कर सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मांगने से कमिटमेंट नहीं दिया लेकिन अचानक से दे दिया, इस टाइप की एनर्जी है। पैसे से आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेवन ऑफ कॉइंस। ये आज के दिन में बहुत ज्यादा फायरी एनर्जीज के साथ अपनी चीजों पर आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। स्पेशली ये प्लानिंग आपके साथ हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस। आज के दिन में ये भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बैलेंस को अचीव करेंगे। ये बैलेंस इनके अपने लाइफ में प्रोफेशनल और इमोशनल लाइफ हो सकती है, अगर इनको काफी समय से टेंशन चल रही है। दूसरा, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, अगर हमेशा गुस्सा करते थे तो बात बनाने की सोचेंगे। नेक्स्ट वी हैव डेविल। आज के दिन में ये भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ रोमांटिक हो सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन को वैल्यू दें। कुछ के पार्टनर ऐसे भी होंगे या किसी एक के पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे और लोगों के साथ टाइम पास करने की कोशिश करें, कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये है ही फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी, एबखोर एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये चीज दिख रही है यहाँ पे, या तो किसी और की तरफ होंगे अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, या ये आपकी तरफ इस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। चीजों को लेकर एक पागलपन रहना, जो कह दिया सो कह दिया, कुछ नई चीजों पर भी, जैसे मान लीजिए कुछ चीजों को ये फॉलो करते हैं, आज के दिन में वो चीजें तोड़ के कुछ गलत काम कर ले, ये एनर्जी है। लास्ट में हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी तरफ काफी ज्यादा अप्रिशिएटिंग एनर्जीज के साथ डील करने वाले हैं ये, प्यार करना, क्लैरिटी देना, आपसे बात करना, ऐसी एनर्जी की आपको अपना दिल निकाल के दे दें, ठीक है, ये नजर आता है। इनकी लाइफ में मामी, मौसी, इनफैक्ट कुछ लोगों के केस में बड़ी सिस्टर या छोटी बहन आपके पार्टनर की टेक केयर कर सकती हैं, ये उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, आपके प्यार को वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सामने से आपको चीजें दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब ये ऐसी एनर्जीज में रहेंगे कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो भी ये बैलेंस्ड रहेंगे, आपकी तरफ अच्छी एनर्जीज में रहेंगे, और अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तब भी आपको लेकर पॉजिटिव ही सोचेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, अच्छा सोचेंगे। सो गाइज, ये थी कमिंग 24 आवर्स तक की एनर्जी आपके पर्सन की। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।